नमस्कार, आप देख रहे हैं वीओपी हिंदी और मैं हूं आपके साथ नेहानंद। 12 साल तक भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और 6 बार से सांसद चुने जा रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 1 महीने पहले पुलिस ने पहलवानों के शोषण के मामले में FIR दर्ज की थी। 7 महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की। फिर इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए थे। पहला मामला 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर था, जबकि 1 केस नाबालिग की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है और 7 पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में गुरुवार को 2 अदालतों में चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिल्ली पुलिस ने 550 पेज की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पॉक्सो की शिकायत को लेकर कोई सबूत नहीं मिला। इतना ही नहीं, पुलिस का कहना है कि पॉक्सो मामले में जांच पूरी होने के बाद इस मामले को रद्द करने की सिफारिश की गई है। शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर ही पुलिस ने ये रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी है। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 जून तय की गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अपनी पहली चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह पर IPC की धारा 354 महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला, 354A यौन टिप्पणी, 354D महिला का पीछा करना लगाई गई है। 1000 पन्नों की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जांच के बाद नाबालिग के आरोपों पर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग के बयान और उनके पिता के बयान के आधार पर पटियाला हाउस कोर्ट में पॉक्सो एक्ट रद्द करने के लिए रिपोर्ट दाखिल की है। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीओपी हिंदी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए।